हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेबी ट्यूब टू ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, आज के हम मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करते हैं और आप सभी फुल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड में आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पर बने रहिएगा। अदरक डालो कि नहीं डालो चटनी में? डाल दे, लहसुन डाल दे रही हूँ। वन, मुझे लहसुन का टेस्ट चटनी में उतना अच्छा नहीं लगता। मुझे बताओ, मिर्च और घर में जैसे बनाते हैं ना, उसमें अच्छा लगता था। धनिया डाला है मैंने कितना सारा। कई कई लोग क्या करते हैं, धनिया डालते हैं तो लहसुन नहीं डालते। इस सब्ज़ी में सरसों डालते हैं तो ज़ीरा नहीं डालेंगे बोलते ना, सेम ऐसे ही। तो चार पांच डाल देती हूँ उसमें लहसुन को। और टमाटर दो भून रहे हैं और नहीं डालते हैं ज़्यादा, ठीक है, इतना काफ़ी है। टेस्ट ज़्यादा आ जाता है तो मज़ा नहीं आता, धनिया का दबा देता है। धनिया का टेस्ट सबसे अच्छा लगता है तो मैं इसको काटती हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि वो ठंडी हो जाए ना। जब मिक्सी में डालते हैं तो मिक्सी का टेम्परेचर एकदम हाई रहता है, तो ये दोनों का क्या होगा। और ये भून रहा है और भुनेगा, फिर उसको भी ला के इसे ठंडा कर लेंगे। ये आ गया, अब इसकी ये वाली पास निकाल दूंगी। और वैसे तो सभी के घर पे बनते हैं अभी, लेकिन मैं अब ब्लॉग्स बना रही हूँ तो ये सब चीज़ को भी तो शेयर करना बनता है ना। तो इसे नहीं भुना है क्या? कट नहीं रही है, अगर कटेगी तो ये छींटे आ जाएंगे। ढूंढा है जमीन पे, छाना है फलक पे, सारे आसमां देखे। अंदर नहीं कभी चिड़ी, कल चिड़ी को छूने से इतना डरती थी, अभी भी डरती हूँ, लेकिन बस टू ओनली ओके, नको प्रॉब्लम छे मारी वो। हाई आई तो बहुत हॉट है, कूल होने देते हैं। ये हो चुकी है कूल, तो इसको डाल देती हूँ ऐसे। ओके, इसको ठंडी कर देते हैं, देन डालेंगे। और नमक को तो भूल ही जा रहे थे जी, तो इतना ठीक है। डालो पूरा, थोड़ा सा बचा था अदरक, तो इसको मैं छील के डाल देती हूँ। थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा डालने से ठीक से लगेगी। सब काट देते हैं सब। तुम मिले और क्या, ये ना हो गई होगी, चलो डाल देते हैं। आया निकल नहीं रही है ये ढक्कन, निकल नहीं रही, मैंने इतना टाइट बंद किया नहीं निकल रही है कपड़ा। ओह शिट, हाँ निकलने, मैंने ना जानबूझ के इतना टाइट किया क्योंकि इसके जो वो होते हैं ना प्लास्टिक के लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रबर, ये डंडी ना टूट जाए। हैंड वॉश कर लीजिएगा। हाँ, ये होता है मर्द और औरत में अंतर। मैं इतना कोशिश कर रही थी, निकला ही नहीं, आपने एक बार किया तो निकल गया जी। तो देखिए फ्रेंड, चटनी कितना बना है, इतना काफ़ी है ना। ओके, तो चलो मैं इस जगह को सफाई कर देती हूँ, दिखाती हूँ आपको इस चटनी को किसके साथ खाना है। तो ये छोटी चटनी आ गई हमारी। हाँ, आ गई हमारी रोटी चटनी, जो कि ये खा चुके हैं, अभी खा रहे हैं और मैं बची हूँ, मतलब ये मेरे आने से पहले खा रहे थे, तो मैं भी थोड़ा सा इसमें डाल के खा लेती हूँ। मैं नाइट में थोड़ा सा बचा था चटनी में, सबको डाल दो, कौन बोला था। वेरी टेस्टी। नाश्ते में आजकल ना चीला चटनी बड़ा मस्त लग रहा है।
हे आइसक्रीम, क्यों रो रहे हो बेटा? शेयर करोगे? चल करूं। मुझे खाइए खाइए, आपकी क्या है फ्रेंड्स? खाना खा लिए हैं और हस्बैंड चले गए हैं अपनी ड्यूटी, और मेरे कपड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। इधर से करूँ यार, पूरा घर सामान से भरा है, फुल्ली। दिखाइए कैसे लग रहा है, दिखाओ। फ्रेंड्स एक कहानी बताऊँ, मैं मेरे आइसक्रीम की कहानी बताती हूँ मैं। वैसे तो एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे, स्कूल में थी और मेरे पास पैसा नहीं था, और 5 रुपीस का आ रहा था ये वाला, ऐसे वाला। तो गांव में क्या होता ना, ऐसे वाले आइसक्रीम आता ही नहीं था। वो 1-2 रुपए वाले आते थे, जो पानी का रहता था, चिवड़ा का रहता था, वैसी वाली। तो ये वाला आइसक्रीम कभी कभार भी आता था गांव में बेचने को, तो हमें ना बहुत एक्साइटमेंट रहती थी कि ये वाली बड़ी अच्छी लगती है और हमें लेना ही है ऐसा। तो मैं स्कूल में थी और मेरे पास 5 रुपए नहीं था, और मैं उसको मांग रही थी कि मुझे दे दो ना, मुझे लेना है करके। फिर ऐसे मांगते मांगते ना फ्रेंड्स, वो आइसक्रीम वाला चला गया। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा नहीं था मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे पास फुल पैसे होते थे। सबसे ज़्यादा मेरी जितनी भी फ्रेंड थी ना, सबसे ज़्यादा रुपए रहते थे, कोई भी मेरे पास ही मांगने को आते थे, है कि नहीं बताओ? तो जितनी भी मेरी फ्रेंड है, मुझे 5 रुपए चाहिए था और मुझे 5 रुपए नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे जितने भी फ्रेंड थे ना, सबसे ज़्यादा मेरे पास रुपए हुआ करता था, और जिसको भी रुपए चाहिए होता था ना, मुझसे ही उधार लेते थे हर रोज़। कितनी सारी लड़कियां उधार, और कितने कितने रुपए की बताऊँ, 1-1 रुपए 2-2 रुपए का उधार चलता था। हाँ, बड़ा मस्त लगता था। तो उस दिन ना मुझे आइसक्रीम नहीं मिली। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आप सबको मेरी स्टोरी बताई है, आप सबको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी मेरे पास बहुत सारे रुपए हुआ करते थे, और एक दिन मेरे पास 5 रुपए भी नहीं था और मैं आइसक्रीम नहीं खा पाई। लंच का टाइम था, और लंच के टाइम तक मुझे 5 रुपए जुगाड़ करने थे कहीं ना, लेकिन जुगाड़ नहीं कर पाई। तो मैं सर से भी लेने वाली थी, क्योंकि हम लोग ना कभी कभी सर लोगों से भी ले लिया करते थे रुपए, तो मैं लेने वाली थी, लेकिन वो मुझे मिले ही नहीं। वैसे वो लोग भी लंच के टाइम पे बाहर गए होते थे, सोप वगैरह में जाके कुछ बातें किया करते थे, पान वान खाते थे ना। तो मैं वेट करती रह गई और सर आए ही नहीं, और मुझे 5 रुपए नहीं मिला और मैं आइसक्रीम नहीं खा पाई। बहुत दुख की बात थी ना, मुझे बहुत ख़राब लगा उस दिन। फिर मैं हमेशा रुपए रख लिया करती थी फ्रेंड्स, मैं हमेशा ना दूसरों को दे दिया करती थी रुपए को, हालांकि उधार ही देती थी, लेकिन हमेशा दे दिया करती थी। मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें, मतलब मुझे कुछ चाहिए होता था ना, तो इमरजेंसी रहता था तब तो नहीं देती थी, लेकिन अगर मेरे पास खाली रुपए रहता था तो मैं दे ही देती थी, हमेशा देती थी। और सारी फ्रेंड्स को, सबको पता भी है, लड़कियों को भी पता है, लड़कों को भी पता है, और किसी को रुपए चाहिए होता था ना, सबसे पहले मेरे पास आते थे, बीवी के पास होगा करके, और मेरे ही पास आते थे हमेशा सब। कितनी अच्छी यादें थी ना स्कूल टाइम ना, बहुत मज़े किए थे हम लोग, बहुत मज़े किए थे। सारे फ्रेंड्स सबसे मिलने का मन होता है, फिलहाल सब बिजी हैं अपने अपने, व्हाट्सएप पे भी बात नहीं होता। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता है, होता है, कॉन्टेक्ट्स हैं, कभी कभी बात होती है, लेकिन ऐसे बैठ के गप्पे मारने वाला काम नहीं होता। वो चीज़ के लिए बहुत मिस करती हूँ। काश कभी मिलते किसी से और गप्पे मारते, पुरानी यादों को ताज़ा करते और आप सबको बताते। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे कुछ काम है, बताती हूँ, देन आप सबको इवनिंग में मिलती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हो गई है शाम के 4:30 बज रहे हैं, लेकिन दिन देखिए दोपहर जैसे लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि गर्मी दिन है, और गर्मी दिन है ना, इस टाइम पर इतनी धूप रहती है, कड़ाकड़ धूप, कड़ी तेज वाली धूप, तो वही धूप है। मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटा भी ब्लर हो रहा है, क्योंकि ना मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे थैला कपड़े और कुछ हैं इधर उधर, इसलिए ब्लर वाला। तो अभी चाय पी रही हूँ, ये देखिए, कहीं आपको ये ना लगे कि खाली गिलास को दिखा रही है। बस मेरे पास देखिए गिलास मेरा है ना, और ये मेरी मशीन है, तो मशीन में रख के मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और एक चीज़ आप सबको दिखाना था मुझे, एक मिनट डालना,
ये देखिए ये ब्लाउज तो मैंने बना लिया था, आपको दिखाया था, लेकिन डिज़ाइंस को मैंने अभी अभी बनाया है तो वो चीज़ अब छूट गई थी। तो देखिए डिज़ाइन कैसे लग रही है। डिज़ाइन ना मतलब बनाया था उन्होंने, जिन्होंने इसको सिला मेरी ननंद ने, तो उन्होंने बनाया था, लेकिन कुछ बचा हुआ था, मतलब उन्होंने सिलाई करी थी, बनाई तो मैं हूँ। और ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, पहनने के बाद भी ज़्यादा अच्छा लगेगा शायद, दिखेगा, अभी तो दिख भी नहीं रहा है कैसा लग रहा है। फिर ओके तो इसको इधर चाय में करते हैं और चाय को पीते हैं। हाँ यार मेरे हाथ पर कैसे, मैं ऐसे सोती हूँ ना ऐसे करके तो हाथ बहुत पेन होता है, जब उठती हूँ वैसे ही वैसे सोए रहती हूँ, दब गया होता है। बॉडी का भी वैसे ही हो रहा था ना बेटू, आपका हाथ दब गया था बच्चा, फिर ये उठता है मम्मा ये वाला हाथ दर्द कर रहा है बोलता है। काश बाबा भी रहते साथ में, मुझे ना अकेले चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो रहते हैं ना तो बाहर अच्छा रहता है, बातें बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन साथ रहते हैं वही ठीक है यार, बस साथ रहें जना मरते जब तक, बात करें कि ना करें उनकी मर्जी। ओके फ्रेंड्स मैं पी लेती हूँ और मिलती हूँ और शाम को, इसके बाद मैं छत में जाऊँगी टहलने को, थोड़ा और शाम हो जाएगा, धूप थोड़ी कम होगी और सनसेट हो जाएगी कि नहीं होगी, जिस बच्चे आएंगे तो बुलाएंगे चलो दीदी छत पे जाएंगे, उसके बाद छत पे जाऊँगी, देन वहाँ पे भी कुछ आप सबसे बातें करूँगी, वहाँ पे क्या क्या करेंगे बताऊँगी, खेलते हैं, तो उसके उस टाइम पे आप सबको मिलती हूँ। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो पे, आप सभी को जय श्री कृष्ण, बाय।